तो संध्या आरती हो चुकी है फ्रेंड्स, और अब हम निकले हैं पंडाल की ओर। जो हमारे बगल के फील्ड में पंडाल लगी हुई है माँ सरस्वती का, तो अकेले नहीं, हम पूरे ग्रुप में, पूरे महिला मंडल के साथ में निकले हैं। और यहाँ पे भी पंडाल में संध्या आरती लेकर के चंदन टीका जो भी लगवाना था हम सभी ने लगा लिया। और बस क्या, पूजा में हम थोड़ी सी भागीदारी बन गए हैं यहाँ पे पंडाल में आकर के। ग्रुप मंडली हमारी निकल गई है, और हम जब भी निकलते हैं शाम के समय में तो ग्रुप मंडली तो हमारे साथ होती ही है, क्योंकि अकेले कोई त्यौहार का मज़ा नहीं आता है। जब हम साथ में निकलते हैं तो चार चांद लग जाती है हमारे, मतलब ग्रुप मंडली में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा कारवा निकल चुका है पंडाल की ओर, और एक नहीं तीन चार जो भी जितने भी पंडाल हैं हम सभी पंडाल में जाएंगे और वहाँ पे माँ का दर्शन करेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और हमारे साथ साथ आप लोग भी चलिए माँ का दर्शन करने के लिए। तो खीर का भोग जो बना हुआ था हम ही लोगों ने सबसे पहले ग्रहण किया, और बहुत मज़ा लगा। खीर का स्वाद इतना अनोखा था, इतना अनोखा था कि वाकई बहुत मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी था खीर। और ये जो भोग हम ले रहे हैं तो हमें इतना आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस देखिए हम लोग खीर का भोग लेने के लिए कतार में लाइन लगा चुके हैं, और आगे की ओर जो पंडाल आगे भी बनी हुई है वहाँ पर भी हमारा कारवार निकलने के लिए तैयार हो जाएगी, और हम वहाँ पे भी जाएंगे। और ख़ास बात बताऊँ फ्रेंड्स, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगेगा हमें घूम के। देखिए हमने खीर लिया, देखने में खीर कितना सुंदर लग रही है ना, देखिए बहुत ही स्वादिष्ट वाला टेस्ट था इसका जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और देखिए यहाँ पर भी मैं आई हूँ तो यहाँ पर भी हमारे कारवा गुरु जितनी सारी है सब ग्रुप मंडली, यहाँ पे भी खीर वितरण ही हो रहा था। हम लोग खीर लेकर के फिर आगे की पंडाल की ओर रवाना होने लगे। तो बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों का कारवा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो बस आगे देखिए, फ्रेंड्स आज की छोटी सी ब्लॉग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स पूजा बहुत अच्छे से हो गई, हमने रिपब्लिक डे को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, शाम को घूमे भी अच्छे लगा। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इसी उम्मीद के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे।